हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियाज रसोई एट जियाज टेस्टी। फ्रेंड्स, आज हम कुछ अलग सी सब्ज़ी बनाने वाले हैं यहाँ पर। तो जो तरबूज होता है, तरबूज हम खा लेंगे और उसके छिलकों की आज हम एक टेस्टी सी सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छिलकों से सब्ज़ी बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं तरबूज जो है मैंने वो काट के अलग रख लिया है, और जो इसका छिलका है तरबूज का हम फेंकेंगे नहीं, उससे आज हम एक बहुत ही अच्छी सब्ज़ी हम बनाने वाले हैं। तो ये जो छिलका है, इसका जो ग्रीन पार्ट मैंने भी आपको दिखाया, वो हमें नहीं चाहिए, वो हम निकाल देंगे। और जो ये बीच का पार्ट है वाइट वाला, हमें वो चाहिए। तो यहाँ पर मैं कद्दूकस ले रही हूँ, तो इसी कद्दूकस से हम ये सारे पीसेस को जो है कद्दूकस करेंगे। और बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि छिलका पहले ही बारीक है और उस पर हमने हरा जो बाहर का कवर है वो नहीं डालना है। तो उसको बिल्कुल ध्यान से, एक बेस हम उसका बना रहे हैं ताकि हमारा हाथ कटे नहीं, इसलिए हम मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो छिलके थे, तो जितनी भी सब्ज़ी आपने बनानी है उतना छिलका हम लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो तरबूज था वो हाफ था, तो हाफ तरबूज के जो छिलके थे उससे मैंने ये सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर सारे जो हमने कद्दूकस किया था, तो इतना सारा पार्ट इसका निकला, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल बारीक हमने इसको कद्दूकस किया है। और ये जो इसका ग्रीन पार्ट मैं आपसे कह रही थी, देखिए यहाँ पर हमने इसको नहीं डाला है, ये हमने निकाल दिया है। तो जितना अंदर तक आप कद्दूकस कर सकते हैं उतना ही हम करेंगे। और यहाँ पर एक बाउल में मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें ये जो हमने हमारा कद्दू है, हम इसको डाल देते हैं, जो कद्दूकस किया हुआ तरबूज है वो हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको कुछ देर बॉईल करना है हमने, और जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा फ्रेंड्स, तो उसके बाद हमने इसको ढककर बंद कर देना है और इसको इसी में ही रहने देंगे। तब तक हम अपना मसाला तैयार करेंगे। तो हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो उतनी देर ही हमने इसको उबालना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो यहाँ पर कढ़ाई में हमने बड़े चम्मच जो है ऑयल गरम कर लिया है। जो भी आप अपने खाने में ऑयल लेते हैं वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो साथ में हम यहाँ पर लेंगे मोटी इलायची, थोड़े से काली मिर्च, दो तेज़पत्ता, एक दालचीनी। तो हम इसमें एक साबुत मसाले जो है गर्म मसाला हम इसमें डाल देते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लेंगे लहसुन की कलियाँ, कुछ प्याज लेंगे और टमाटर ले रहे हैं, और थोड़ा सा हम अदरक भी ले रहे हैं। अदरक को हमने दो पीस में काट लिया है, थोड़ा सा लहसुन है और प्याज टमाटर आप देख सकते हैं मैंने बहुत मोटे पीसेस में जो है ये काटा है, क्योंकि इसके बाद हम इसको पीस कर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो सारी चीज़ों को हमने यहाँ डाल देना है। तो अभी आप देख सकते हैं टमाटर की भी मैंने दो दो पीसी किए हैं, प्याज भी हमने मोटा ही रखा है। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं, और सिर्फ एक सेकंड के लिए हम यहाँ पर इसको मसाले को अच्छे से ऑयल के साथ फ्राई कर रहे हैं। साथ में हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो जो हमारा तरबूज है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, पानी अच्छे से उबल चुका है। तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और एक बार इसको हम हिला लेते हैं अच्छे से, पानी काफ़ी तेज़ गर्म है। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमने इसको एक छन्नी में निकाल लेते हैं, ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निथर जाए। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए जो इसका जो दाना है, जो छिलका है, वो एकदम से जो है सॉफ्ट हो गया है। तो इतना ही हमने करना है इसे, तो बहुत ज़्यादा ना उबालें, सिर्फ एक उबाल आने पर, एक से दो उबाल आने पर आप गैस को ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पर तब तक हमारा प्याज जो है, मसाला टमाटर का तैयार हो चुका है, और इसको भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब फ्रेंड्स, इसको हमने ठंडा करना है, और ठंडा कर कर ही हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। तो तब तक हम यहाँ पर बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं, जब तक प्याज ठंडा हो रहा है हमारा। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी बेसन लिया है, और बेसन को जो है हमने अच्छे से पहले छान लिया था। और जैसे मैंने आपको बताया, जो तरबूज है हमारा, हमने इसको छन्नी में रखा था ताकि जो पानी है वो निकल जाए। और अब उसके बाद हम तरबूज का जो छिलका है वो इसमें डाल देते हैं। साथ ही अब यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे, नमक, धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है, जैसे हम बेसन के या प्याज के पकौड़े बनाते हैं या लौकी के कोफ्ते बनाते हैं फ्रेंड्स, वैसे ही हमने यहाँ पर घोल तैयार करना है। तो घोल जो है हम उतना ही सॉफ्ट रखेंगे जितना हम कोफ्ते में रखते हैं, लौकी के जब हम कोफ्ते बनाते हैं। तो अब सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, और जब हम पानी डालेंगे तो फ्रेंड्स, हम पानी एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, हम पानी को थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ थोड़ा ही पानी डाला है और उसके बाद हम मिला रहे हैं, तो हमें अगर ज़रूरत लगेगी तो हम फिर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे।
तो आप देख सकते हैं जो बेसन का घोल है हमारा बिल्कुल थिक बनाया है हमने, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे क्योंकि हमने अभी इसकी पकौड़ियाँ बनानी है, जो कोफ्ते होते हैं वो हम बनाएंगे। तो तरबूज के जो छिलके थे और बेसन का जो घोल है हमारा तैयार हो चुका है अच्छे से कोफ्ते बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब हम इनको डीप फ्राई करने वाले हैं। तो कढ़ाई में हमने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। अब काफ़ी ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और उसके बाद ही हम इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे। तो मैं यहाँ पर हाथ से डाल के दिखा रही हूँ आपको, जो भी तरीका आपको इजी लगे, चाहे आप स्पून से डालें या हाथ से डालें। तो हम यहाँ पर छोटी छोटी पकौड़ियाँ जो होती हैं कोफ्ते की, वो यहाँ पर बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, एक बार में हम कढ़ाई में उतनी ही पकौड़ियाँ डालेंगे जो आपस में चिपके नहीं। तो थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और जब ये एक साइड से हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगेगा, उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको पका लेंगे। तो देखिए, एक साइड से जब पकौड़ी जो है हमारी फ्रेंड्स पकने लगती है, बन जाती है, तो वो खुद ही कढ़ाई से जो है ऑयल में ऊपर तैरने लगती है। तो उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे और उससे पहले बिल्कुल भी हमने इनको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल हिलाना भी नहीं है। क्योंकि अक्सर आप लोग बोलते हैं कि हमारी पकौड़ियाँ चिपक गई हैं, तो ये आप लोग गलती करते हैं कि जैसे ही ऑयल में पकौड़ी डालते हैं और आप करछे से उसको हिलाने लगते हैं, चलाने लगते हैं, तब वो चिपकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो पकौड़ियाँ डाली थी, ऑयल एकदम साफ़ है क्योंकि डालने के बाद हमने इसको बिल्कुल नहीं हिलाया है। और जब नीचे से वो हल्की हल्की बनने लगी हैं और तैर के जो ऊपर आ जाती हैं, उसके बाद ही हम इसको पलट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पकौड़ियाँ जो है हमारी बन चुकी हैं, कोफ्ते की जो पकौड़ियाँ होती हैं वो हमने अब निकाल ली हैं। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ की पकौड़ियाँ तली हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं रखी हैं हमने। तो यहाँ पर जो हमारा प्याज टमाटर का मसाला था, वो देखिए हमने पीस लिया है। और जब भी आप जार में पीसते हैं गर्म चीज़ को, तो प्लीज़ ठंडा कर कर ही करें। तो यहाँ पर अब हम एक बड़ा चम्मच ऑयल और लेंगे, साथ ही हम यहाँ पर ले रहे हैं साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा और थोड़ी सी यहाँ पर हम ले रहे हैं हींग। तो सारी चीज़ों को हम गर्म ऑयल में डाल देते हैं। तो हम उसी कढ़ाई में इसको बना रहे हैं तो जिसमें हमने पकौड़ियाँ बनाई थी। तो ऑयल जो है वो हमने कम कर लिया है और अंदाज़े से एक बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर ऑयल लिया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो हमारा प्याज टमाटर का मसाला है वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। तो बहुत ही आराम से डालेंगे क्योंकि हम तेल में डाल रहे हैं। तो आपने देखा, मैंने पहले करछे को जो है ऑयल में ऐसे ही रखा और उसके बाद हमने जो था मसाला डाला है इसमें, ताकि छींटे ना आए। बहुत सेफ्टी से करेंगे क्योंकि टमाटर प्याज जो है वो लिक्विड है और ऑयल में डालने के बाद उससे छींटे आते हैं। तो यहाँ पर अब हम ले रहे हैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लेंगे धनिया पाउडर और नमक जो है स्वाद के अनुसार रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप नमक डाल रहे हैं तो बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि जो हमने कोफ्ते बनाए हैं उसमें भी हमने नमक डाला है। तो मसाले में जो ग्रेवी है, ग्रेवी में पहले हम थोड़ा कम ही नमक डालेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर लगेगा तभी हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो बाउल मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर हमने कोफ्ते का जो बेसन का मसाला था वो तैयार किया था, तो इसको भी हमने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और जितना भी पतीले में, भगोने में जो बेसन चिपका हुआ था, इसको हम अच्छे से निकाल लेते हैं। जो ये खुरचन है इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, तो इसको हम ग्रेवी बनाने में ये पानी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही देखिए मसाला हमारा अच्छे से बनने लगा है, भुनने लगा है, तो थोड़ा इसको और पका लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें जो हमारा घोल था, जो पानी का घोल हमने बनाया था, वो भी हम डाल देते हैं। तो इससे जो आपकी ग्रेवी है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत गाढ़ी ग्रेवी बनेगी। ये भी एक सीक्रेट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पकौड़ी बनाते हैं और जो बचता है मसाला उसको हम ऐसे ही जाने देते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना है। तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डालिए और उसकी जो भी खुरचन है, सारा मसाला जो है अच्छे से निकाल लीजिए और उसी से ग्रेवी बनाइए। तो देखिए, ग्रेवी जो है काफ़ी थिक हो गई है क्योंकि इसमें भी बेसन था, मसाले थे। तो अब हम थोड़ी देर इसको और अच्छे से उबाल लेंगे। तो गैस की फ्लेम हम कम कर देते हैं एक उबाल आने के बाद, और धीमी आंच पर इसको थोड़ी देर ग्रेवी को हम पकाएंगे, जब तक कि ग्रेवी गाढ़ी ना हो जाए। तो साथ ही हम यहाँ पर फ्रेंड्स, इसमें 1 से 2 मिनट मुझे हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर जो पकौड़ियाँ हैं वो इसमें हम ऐड कर देते हैं, ताकि जो हमारे पकौड़ी वाले कोफ्ते हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाएं। और पकौड़ी डालने के बाद हम इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, सिर्फ हम इसको 1 से 2 उबाल और आने देंगे, ताकि ये जो मसाला है वो पकौड़ियों में अच्छे से चला जाए। और साथ ही अब हमारा सब्ज़ी तैयार हो गई, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गर्म मसाला डाल रही हूँ, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम। तो ऊपर से डाल देते हैं हम
साथ ही हम यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया भी इसमें डाल देते हैं क्योंकि सब्ज़ी हमारी लगभग बन चुकी है। और अब हम इसको हल्का सा हिलाकर और कवर करके रख देंगे और एक उबाल आने देंगे। उसके बाद हमने गैस बंद कर देनी है क्योंकि सब्ज़ी तैयार है। सिर्फ एक उबाल इसलिए कि जो उसे हमने अभी लास्ट में गरम मसाला डाला है वो भी अच्छे से सब्ज़ी में मिल जाए, मिक्स हो जाए। तो इसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सब्ज़ी है मैं इसको कढ़ाई में ही सर्व करने वाली हूँ क्योंकि हमारी तरबूज की जो सब्ज़ी है, छिलकों की सब्ज़ी तैयार है फ्रेंड्स। आप ज़रूर ट्राई कीजिए छिलकों को।